Good evening, students. Now I am teaching class 9 students physics chapter 1 motion. Motion क्या होता है? कोई भी body जब move कर रही है तो उसको हम motion बोलते हैं. कोई भी body में अगर movements हैं तो वो motion होता है. अगर कोई body rest position पे है तो उसको हम rest बोलते हैं. जैसे कोई एक बुक टेबल पे पड़ी है तो वो बुक क्या है? रेस्ट पोजीशन पे है. अगर कोई कार स्टार्ट नहीं हुई है और वो एक पोजीशन पे खड़ी है कार, तो उसको हम रेस्ट बोलते हैं. जैसे ही हम कार को स्टार्ट करते हैं, वो मूव करना शुरू होती है, तो वो मोशन होती है. तो हम धीरे धीरे आगे डिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे, डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ेंगे, वेलोसिटी क्या होती है, एक्सेलरेशन क्या होती है, ये सारी चीजें जो है इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे. सो इस चैप्टर की जो शुरुआत है वो दो टॉपिक्स से होती है. वो होती है कि रेस्ट क्या होता है और मोशन क्या होता है. रेस्ट होता है कोई भी बुक, कोई भी कार जब एक पोजीशन पे स्टेबल है, उसमें कोई मूवमेंट नहीं है, कोई हलचल नहीं हो रही, तो वो रेस्ट पोजीशन होती है. अगर जैसे ही कार में मूवमेंट आती है या कोई पर्सन वॉक कर रहा है रोड के ऊपर, उसकी बॉडी में मूवमेंट्स हैं, तो उसको हम मोशन बोलते हैं. जैसे कि एक ट्री है, वो फिक्स्ड है एक प्लेस के ऊपर, तो हम उसको स्टेशनरी बोलेंगे. स्टेशनरी एक दूसरा नाम होता है रेस्ट पोजीशन का. सिमिलरली एक जैसे हाउस हो गया, स्कूल, फैक्ट्री, इलेक्ट्रिक पोल्स, टेलीफोन पोल्स, ये सब स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स हैं. स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? जो फिक्स्ड होते हैं एक प्लेस के ऊपर, जिनमें कोई मूवमेंट नहीं होती. ऑन द अदर हैंड, जैसे कि एक मैन हो गया, एनिमल्स, बर्ड्स, कार्स, बसेस, ट्रेन्स, शिप्स एंड एरोप्लेन्स, ये स्टेशनरी नहीं होते क्योंकि ये मूव करते रहते हैं वन प्लेस टू अनदर. इनको बोलते हैं मोशन. A man moves when he walks along a road. ठीक है, तो ये एक मोशन की एग्जाम्पल है कि जैसे एक आदमी जो है वो वॉक कर रहा है रोड के ऊपर, या कोई एक बर्ड है वो फ्लाई कर रहा है स्काई के ऊपर, स्काई पे, तो ये क्या होते हैं? मोशंस होते हैं, ये होती है मूवमेंट्स. और जो स्टेशनरी होते हैं उसको हम बोलते हैं रेस्ट पोजिशन. मूवमेंट ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड मोशन. कोई बॉडी में मूवमेंट है, हलचल हो रही है, वो मूव कर रही है, तो उसको हम मोशन बोलते हैं. ए कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल द मूविंग बॉडीज इज दैट दे चेंज देयर पोजीशन विद टाइम. अब देखिए, जितनी भी एग्जांपल्स हम लेंगे, जितने भी ऑब्जेक्ट्स की हम बात करेंगे, उनके मूवमेंट्स की बात करेंगे, उसको मोशन बोलते हैं. लेकिन वो टाइम के हिसाब से उनकी मूवमेंट्स में चेंजेस आती रहती है. ये एक करेक्टरिस्टिक होती है मोशन की कि टाइम के हिसाब से उनकी मूवमेंट्स में चेंजेस आना, उसको हम बोलते हैं, उनकी पोजीशंस में चेंजेस आना, उसको हम बोलते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोशन. ए बॉडी इज सेट टू बी इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंजेस कॉन्टिन्यूसली विद रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी ऑब्जेक्ट टेकन एज रेफरेंस पॉइंट. जो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट होता है, जैसे कि मैं किसी जगह पे स्टेबल होके खड़ा हूं, वो मेरा रेफरेंस पॉइंट होता है, उसको मैं स्टेशनरी ऑब्जेक्ट बोलता हूँ. ठीक है, बॉडी को मोशन कब बोलते हैं? जब मेरी पोजीशन जो है, जब हमारी पोजीशन जो है चेंज होनी शुरू हो जाती है विद रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स, मतलब जहां से हमने शुरू किया, जहां पे हम रेस्ट पोजीशन पे खड़े थे, उसको हम रेफरेंस पॉइंट लेंगे. उसके रिस्पेक्टिवली हमारी बॉडी में मूवमेंट्स जो आई है टाइम के हिसाब से, उसको मोशन बोलते हैं. When the position of a car changes continuously with respect to stationary objects, अब reference point हमारे पास क्या है? जैसे कि हमारा घर है, वो हमारा reference point है. वहां पे कार जो थी वो एक position, stable position थी, rest position थी, तो हमारा घर क्या हो गया? reference point हो गया. वहां से कार की movement अचानक से जो है movement शुरू हुई, उसको हम बोलते हैं motion. ये होती है characteristic. फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इफ ए बॉडी मूव्स
फेयरली फास्ट, अगर कोई ऑब्जेक्ट बहुत तेजी के साथ चल रहा है तो उसकी मूवमेंट हम इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं. इफ ए बॉडी मूव्स फेयरली फास्ट तो उसकी मूवमेंट्स जो हम आसानी से ऑब्जर्व कर लेंगे. बट अगर कोई बॉडी स्लो मूव कर रही है तो उसको ऑब्जर्व करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है. जैसे कि एक रिस्ट वॉच होती है, उसके तीन हैंड्स होते हैं, एक सेकंड्स वाला हैंड होता है, एक मिनट्स वाला हैंड होता है, एक आवर्स वाला हैंड होता है, विच मूव्स राउंड एंड राउंड ऑन द डायल ऑफ द वॉच. ये तीनों जो होते हैं हैंड्स, ये राउंडली मूव करते रहते हैं, लेकिन जो सेकंड्स वाला हैंड होता है वो बहुत तेजी के साथ राउंड होता है. इसके लिए हम उसकी मूवमेंट जो है इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं, लेकिन जो मिनट्स हैंड और आवर्स हैंड होते हैं उनकी मूवमेंट स्लो होती है, इसलिए उनको ऑब्जर्व करना आसान नहीं होता. अब हम इन ऑर्डर टू स्टडी द मोशन ऑफ बॉडीज, अब हमने देखना है कि जो मोशन, जो मूवमेंट की हम बात कर रहे हैं, इसमें दो टॉपिक्स आते हैं, दो टर्म्स आते हैं, वो होते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. अब डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को हम ब्रीफली पढ़ेंगे कि डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है. व्हाट इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट. जैसे कि एक पर्सन है, वो ए प्लेस पे रहता है, ये उसका घर है, उसने दूसरे प्लेस सी तक जाना है. ठीक है, एक पर्सन है जो ए प्लेस पे रहता है, उसने दूसरे प्लेस सी तक जाना है, लेकिन उसको सी तक पहुंचने के लिए पहले बी तक पहुंचना पड़ेगा, फिर बी से सी तक पहुंचना पड़ेगा. मतलब उसको पहले ए से बी तक ट्रेवल करना पड़ेगा 5 किलोमीटर, फिर उसको बी से सी ट्रेवल करना पहुंचने के लिए 3 किलोमीटर का रास्ता अपना जो है ट्रेवल करना पड़ेगा. तो जो एक शख्स है उसको कौन सा पाथ फॉलो करना पड़ेगा, ए बी सी. ठीक है, तो जो लेंथ होती है ए बी सी की, उसको हम बोलते हैं एक्चुअल में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया. ठीक है, मतलब उसने सी तक पहुंचने के लिए कितना डिस्टेंस जो है ट्रेवल किया. पहले उसने 5 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया ए से बी तक, फिर उसने बी से सी तक पहुंचने के लिए 3 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया. तो ए से सी तक उसका पाथ कितना हो गया, कितना उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया, 5 + 3 = 8 किलोमीटर उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया. अब डिस्टेंस की डेफिनेशन क्या कहेंगे, डिस्टेंस होता है कि ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, कि उसने एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ, जो पाथ उसने फॉलो किया है, पहले ए से बी तक गया फिर बी से सी तक गया, ये जो पाथ उसने फॉलो किया है, इस पाथ को इट इज कवर्ड बाय ए मूविंग बॉडी इरिस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन. मतलब उसने ये जो पाथ फॉलो किया है इसमें कहीं भी डायरेक्शन की बात नहीं की गई. मतलब उसने ये नहीं कहा कि ए से बी तक जब वो ट्रेवल कर रहा है वो नॉर्थ है या साउथ है या ईस्ट है या वेस्ट है, डायरेक्शन की कोई भी इसने बात नहीं की है. उसने सिर्फ लेंथ की बात की है कि उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया सी तक पहुंचने के लिए. तो ये होता है डिस्टेंस. When a body moves from one point to another, जब कोई बॉडी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करती है, जैसे उसने ए से बी पॉइंट तक मूव किया, डिस्टेंस ट्रेवल्ड रेफर्स टू द एक्चुअल लेंथ ऑफ द इनडायरेक्ट पाथ. डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या होता है कि कितना उसने किलोमीटर, कितना उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया, मतलब कितना उसने लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल किया. लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ये आपको क्वेश्चन आएगा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फर्क क्या होता है. सबसे पहले वो डेफिनेशन की बात कर रहा है कि डिस्टेंस होता है कि उसने कितना एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल किया, और डिस्प्लेसमेंट होता है कि स्ट्रेट लाइन पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन. मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि देखो, ये है हमारे पास इनिशियल पोजीशन और ये है हमारे पास फाइनल पोजीशन. जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तब हम लेंथ ऑफ द पाथ को फॉलो नहीं करते, हम देखते हैं कि इनिशियल पोजीशन से लेके फाइनल पोजीशन तक उसकी कितनी डिस्प्लेसमेंट रही है. तो ये हमने 4 किलोमीटर पाइथागोरस थ्योरम लगा के कैलकुलेट किया. जैसे एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो एच क्या होता है हमारे पास 5 स्क्वायर, पी स्क्वायर हमारे पास हो गया 3 स्क्वायर, और बी स्क्वायर हो गया हमारे पास
तो यहाँ से बी आ जाएगा हमारे पास 4 किलोमीटर। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट हमने कैलकुलेट किया है, ये पाइथागोरस थ्योरम लगा के जो है कैलकुलेट किया गया है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इनिशियल पोजीशन, जहां से हमने शुरू किया और जहां हम पहुंचे, वो स्ट्रेट लाइन ए से सी तक जो टोटल डिस्प्लेसमेंट, ये जो डिस्प्लेसमेंट आएगा इसको हम बोलते हैं 4 किलोमीटर। सो अब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन। सो वट एवर बी द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ फॉलोड बाय ए मूविंग बॉडी, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इज ऑलवेज रिप्रेजेंट। डिस्प्लेसमेंट होता क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन ऑफ द बॉडी। डिस्प्लेसमेंट होता है कि इनिशियल से फाइनल पोजिशन तक का आपने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। आपने उसके बीच ये चीज नहीं देखनी कि उसने ए से बी तक कहाँ गया, बी से सी तक कहाँ गया, सी से डी तक कहाँ गया, ये चीजें आपने डिस्टेंस के टाइम में देखनी है। लेकिन जब आपने डिस्प्लेसमेंट देखना है तो आपने सिर्फ दो चीजों की बात करनी है, एक इनिशियल पोजीशन और एक फाइनल पोजीशन। व्हेन ए बॉडी मूव्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी अलॉन्ग विद द डायरेक्शन। जब हम डिस्टेंस की बात करते हैं तब उसमें हम नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट की कोई बात नहीं करते, उसमें डायरेक्शन बिल्कुल भी नहीं बात करते। लेकिन जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं उसमें हम मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी बात करते हैं, उसमें नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट आप बात कर सकते हैं, इसलिए उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। इसीलिए हम कहते हैं कि जो डिस्टेंस होता है उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड आता है। मैग्नीट्यूड क्या होता है कि उसमें सिर्फ हम देखते हैं कि वो कितना पाथ कितना फॉलो कर रहा है, कितने किलोमीटर फॉलो कर रहा है, कितने सेंटीमीटर उसने ट्रेवल किया, ये सब चीजें होती हैं, ये मैग्नीट्यूड होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में मैग्नीट्यूड भी आता है और डायरेक्शन भी आता है, ठीक है। ये चीज आपने याद रखनी है कि डिस्टेंस क्या होती है जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, डायरेक्शन की बात नहीं करते। डिस्प्लेसमेंट में मैग्नीट्यूड की भी बात करते हैं और डायरेक्शन की भी बात करते हैं। क्वांटिटीज लाइक डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, इनको हम फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं। जो डिस्टेंस होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, इसको हम फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी होती क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? इसको हम बोलते हैं साइज ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। साइज का मतलब क्या हो गया? जैसे कि किलोमीटर, कितना किलोमीटर, ये एक साइज हो गया, कितने किलोमीटर उसने ट्रेवल किया, 5 सेंटीमीटर, उसने का साइज कितना था, 5 सेंटीमीटर, ये होती है फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी की सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, फिजिकल क्वांटिटी सिर्फ साइज बताता है, इसलिए इसको सिर्फ स्केलर क्वांटिटी बोला जाता है। स्केलर क्वांटिटी सिर्फ मैग्नीट्यूड बताता है, डायरेक्शन नहीं बताता। स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्केलर क्वांटिटी सिर्फ मैग्नीट्यूड बताता है, सिर्फ साइज बताता है, डायरेक्शन नहीं बताता। ऑन द अदर हैंड फिजिकल क्वांटिटी, जहां पे मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन की बात हो, उस पर वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है कि जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। जब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती हैं उसको हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। डिस्टेंस सिर्फ स्केलर क्वांटिटी होती है, डिस्प्लेसमेंट सिर्फ वेक्टर क्वांटिटी होती है। डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी क्यों होती है? क्योंकि इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड बताता है, डायरेक्शन नहीं बताता। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बताता है। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए मूविंग बॉडी कैनॉट बी जीरो। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए मूविंग बॉडी कैनॉट बी जीरो, कहते जो डिस्टेंस होता है वो कभी भी जीरो नहीं होता। डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होता, ये हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, ये नेगेटिव क्वांटिटी भी नहीं होती। डिस्टेंस जो होता है कभी भी जीरो नहीं होता, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो जीरो हो सकता है। कैसे हो सकता है ये मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि हमारे पास ये फिगर बनी हुई है, जब आप ए से बी तक ट्रेवल कर रहे हैं तो आपके पास है 5 किलोमीटर, जब आप बी से सी तक ट्रेवल कर रहे हैं तो आपके पास है 3 किलोमीटर, जब आप सी से ए तक वापस आ रहे हैं तो आपके पास है 4 किलोमीटर। जब आपने डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तब आपने सिर्फ कुछ नहीं करना, क्या करना है कि जितने भी पाथ आपने किलोमीटर फॉलो किया है उन सबको प्लस कर देना है। लेकिन जब आपने डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करनी है, जब आप
समझ लीजिए घर से शुरू हुए, घर से आप स्कूल तक जा रहे हो, तो स्कूल से वापस आपने घर से स्कूल तक ट्रेवल किया, स्कूल से वापस घर आ गए, तो आपकी डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगी। जब आप किसी पोजीशन से शुरू होते हैं और वापस उसी पोजीशन पे आ जाते हैं तब डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाती है, लेकिन डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होता। डिस्टेंस में हमने पहले भी कहा कि एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ फॉलो, जो भी हमने पाथ फॉलो किया है वो जो किलोमीटर फॉलो किए हैं वो उनको प्लस करना होता है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, जहां से आप शुरू हुए वहां पे आप जब वापस आ जाते हो तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाती है। जैसे कि आप एक साइकिल पे ट्रैकर साइकिलिस्ट जो है वो ट्रैवल कर रहा है, वो सर्कुलर इन कर्व्ड पोर्शन में वो ट्रैवल कर रहा है, तो जब उसने ए पॉइंट से शुरू किया, ठीक है, वापस ए पॉइंट पे आ गया, तो उसकी डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगी। लेकिन डिस्टेंस में क्या होगा कि ये जो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल होता है उसको हम 2πr बोलते हैं, तो डिस्टेंस हम कैलकुलेट कर सकते हैं 2πr से। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि जहां से आप शुरू हुए वापस उसी पोजीशन पे आ गए तो वो जीरो हो जाता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।